देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। चलो मैं घर छोड़ दे। नहीं नहीं पुत्र, मैं कल्ले ही चली जाना वा, तू तकलीफ ना कर। ले ऐच तकलीफ वाली केड़ी गल है, तुसी इदा कुछ ना सोचो। चल चंगा, ओदा भी तू किन्ने दिनों तो मेरे हाथ दे परौंठे नहीं खादे, ऐसे भाने परौंठे खाएगा। मेरी मम्मी दा ध्यान रखी। सस है वो मेरी, थोड़े नालो ना ज्यादा ध्यान रखूंगा मैं उन्होंने। एक ना एक दिन दोवें जाने कठिया हो ही जाएंगे, मैनू पूरा भरोसा है। ममा नहीं, हाय तो पहला इतनी बड़ी बेइज्जती मेरी खुद ही नहीं हुई। पानी पानी पियो। नहीं पीना। ममा ए सब पता है मेनू, ते इदे लई मैं इना सब दा धन्नवाद कहनी हां। ए की कह रही है तू, तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? हां जी मैं ठीक हां, ते मेरा दिमाग भी ठीक है। ए सब इना दी बदौलत हो रहा है ना, क्योंकि इना ने मेनू टिक्के बैठन नहीं देना जब तक मैं अपना बदला ना ले लवां। मैं अपनी मां दे एक एक हंजू दाना सरगुण तो बदला लवांगी, ओनू भी सब दे सामने इदा ही माफी मंगनी पाऊगी, वादा है मेरा। चलो जी बहुत होगी पढ़ाई, हुन मेनू बहुत तेज भूख लगी है। जीजू इत्थे ना तुसी सवेर दा कुछ ना कुछ खाई जा रहे हो, ते उत्थे मेरी सानवी दीदी दीदी ने सवेर दे पानी दी एक बूंद भी नहीं पीती। क्यों? तुहानू नहीं पता दीदी ने थोड़े लिए करवा चौथ दा वर्त रखा है। सानवी ने मेरे लिए वर्त रखा है? सानवी जी तुसी दस्या नहीं कि तुसी मैनू इन्ना प्यार करन लग पे हो कि मेरे नाँ दा वर्त रखिया तुसी। तुहानू भूख लगी है ना, बस 5 मिनट रुको मैं तुहाडे वास्ते खाना बना रही हाँ। तुसी प्लीज गल ना घुमाओ, जो मैं पूछा वो दसो। मम्मा तुसी आ गए। जीजू हाउ सरप्राइजिंग, तुसी भी आए हो, मतलब दीदी भी पकाए होंगे। दीदी 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 मम्मा दीदी दीदी आ रहे ने ना, दीदी किथे ने? पुत्र तेरी दीदी नू अपने नवे घर विच कोई काम सी इस करके नहीं आ सकी। चल युवराज पुत्र आ अंदर आ। एक मिनट रुक जाओ जी, आरती तो बंद ही है ना। हाँ भरा सब क्यों? ले हाथ दे, साढ़े जीजा जी पहली बारी करे आए ने इस करके। आलो प्रसाद लो। ओ नहीं नहीं मैं। की होया जीजू, अग्गे ता व्याह तो पहला तुसी घर दा सारा कुछ खा लेंदे सी, ते हुन तुसी प्रसाद भी नहीं ले रहे हो। रब भला करे हुन तुसी दोवे जानियां इत्थे गल्लां करदियां रहोगियां कि ओनू अंदर आण दोगियां? युवराज पुत्र तू आ लग गया। हां जी और किदा बाजी? बस वधिया बाजी, तुसी दसो की हाल चाल ने?
सब बढ़िया। आप प्रसाद लो। जीजा जी चलो चलो हूं तो खा ही लो प्रसाद। दरअसल मैं खा नहीं सकता, आज मैं व्रत रखा है ना इस करके। व्रत रखा ले? तू तो कहता सी कि मैं परौंठे खाने हैं, तू कार मेनू क्या सी? मामी जी प्यार नू जतान दी लोड़ नहीं होती, हो तो मैं बस इदा ही क्या सी, मैं सोचा इसी बहाने तुहानू सारयां नू मिलूंगा, हले बहुत टाइम हो गया सी तुहानू सब नू मिले हुए। क्या बात है जीजा जी, बड़े वर्त शर्त रखे हुए ने मेरी दीदी वास्ते। नहीं नहीं सुहानी इहो जी कोई गल नहीं है। ते मम्मी जी रही गल वर्त दी, ए किन्ने कहा कि हसबैंड अपने भाई वास्ते वर्त नहीं रख सकता, जे सरगुण मेरी लंबी उम्र वास्ते सारा दिन भुखी रह सकती है ते मैं उहदे लई क्यों नहीं रह सकता? कुछ सुनिया समझ जीजू? एक युवराज जीजू ने जो कुछ नहीं खा रहे, ते एक समर जीजू जो सवेर दे खान तो पिछे नहीं हट रहे। वाह ए रब्बा, तेरी लीला तू ही जाने। पुत्र मैं तेरे वर्गा जवाई पा के धन होगी, मेनू पूरा विश्वास है तू मेरी सरगुण नू बहुत खुश रखेगा। जीजा जी यू नो व्हाट, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ताई दा मतलब तुसी भी मेरे वांगू ढाबे ते कला खाना खान नहीं आंदे सी? आसा जी, आसा जी। ओ मम्मी जी तुसी बैठो, मैं देखदा कौन है। हाँ जी बोलो। आसा जी के लिए पार्सल आया कोई? चंगा। आ कोई मुंडा आया सी पार्सल देके गया, मम्मी जी तुहाडे वास्ते। किते मीनका ने दोबारा तो फोटोआं ते नहीं भेज दित्तियां? जे युवराज ते समर ने वेख लईआं फिर किने भेजे है पार्सल? पता नहीं किने भेजे है, ना ही भेजण वाले ने अपना नाम लिखिया। लगदा अंदर कोई जरूरी कागज ने, मैं खोल के वेखदा। खुशप्रीत आज तेरे ते हरलीन दे नाल जो भी होया ना, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हाँ। तेनू ते पता है ना कि मैं कदी इन्हां दे खिलाफ नहीं बोलिया, इन्हां दे फैसले दे खिलाफ ते मैं कदी बोल नहीं सकती ते ना ही कदी सवाल चुक सकती हूँ, समझ सकती है ना तू? असी मावां ना जिंदर, सानू साडे बच्चियां करके चुकना ही पैंदा, और मैं सिर्फ माफी हरलीन करके मंगी है, नहीं तो घर सानू छके जाना पैंदा। नाले जो इस टाइम हरलीन की हालत है ना, उन्हें युवराज के नेड़े रहना बहुत जरूरी है। मैनू डर लगता कि किते दोबारा डिप्रेशन च आके किते दोबारा गलती ना कर बैठे। नहीं नहीं खुशबू तू इस गल की बिल्कुल फिक्र ना कर, अपनी हरलीन बहुत समझदार है ते स्ट्रांग है, वो कभी भी इस तरह का कदम नहीं चुकेगी, मैंने पूरा यकीन है। मम्मी जी की मैं तुहाडी कोई मदद कर सकती हूँ? हरलीन पुत्र इधर आ। पुत्र अजे तेनु आराम की लोड़ है, अजे तेरी तबीयत ठीक नहीं है, जा जाके आराम कर। मम्मी जी की तुसी करवा चौथ दा व्रत? जदों मैं पहली बार देखने आए सी ना, मैं तो उदों इन्हां नूं अपना मान लिया सी। भावें साडा विआह 2 साल बाद होया, बस मैं तो पहला तो ही वर्त रखने शुरू करते सी इन्हां दे नाम ते। जे इन्हां दे वर्त च इन्हां दम हुंदा तां
कि अज अमृतपाल व्हीलचेयर ते घूमदा आई वड्डी रूप दी तुसी व्रत रखिया मेरे व्रत रखन जा ना रखन नाल तेनु की फर्क पैंदा हरलीन ए मेरा निजी मसला आ रूप पुत्र इस विच गुस्से वाली का दी गल है जे हरलीन ने तेनु पुछया है ता जवाब हां या ना विच भी हो सकदा है ना वैसे रूप मैं चंगी तरह जानदी हां कि तू उस हरमन दे लई व्रत रखिया आखिरकार तू मेरी धी है ना रिश्ते निभाना तू चंगी तरह जानती है पर रूप तेने एक गल कवां तू गलत इंसान दे लई व्रत रखिया जे वो बंदा तेनू प्यार करदा हुंदा ना ता आज तो 2 साल पहला ही माफी मांग के तेनू अपने नाल ले जांदा वो भी अपनी मां दे वादे नाल बन्ने हुए है ना मम्मी जी जिद्दा के खबरदार रूप तू उस बदतमीज बिमला दे नाल मैनू तोल रही है उस हरमन दी मां दे नाल भूल गई तू कि यूवी दे व्याह ते उसने कीवे मेरी बेइज्जती कीती सी किन्ना बोली सी ओ ढोल दे नाल नच नच के उसने साडे खानदान दा मखौल उड़ाया सी मैं मम्मी जी तुहाडे ते बिमला बारे नहीं गल कर रही मैं अपने ते हरमन बारे गल कर रही हां मम्मी जी अज भी असि एक दूजे नू बहुत प्यार करते हैं तेरे च मेरे सामने बोलने की हिम्मत कित्थों आई रूप मैं चंगी तरह जानती हूं युवराज ने अपनी मन मर्जी अनुसार व्याह कर लिया ना उसका एक कदम तेनू हिम्मत दे गया बोलती क्यों नहीं जवाब दे पर मैं तेनू इस तरह कदी नहीं करन देंगी रूप जे बिमला ते हरमन इस घर दे दरवाजे ते भुल के भी आ गए ना ता सही सलामत वापस नहीं जानगे भुल गई तू के यूवी दे व्याह ते उस बिमला ने किस तरह मेरी बेइज्जती कीती सी कोई कसर नहीं छड़ी सी मेरा मजाक उड़ान से उसने पर मैं चुप रही सिर्फ फेस लई क्योंकि गलती मेरे पुत्र दी सी मेरे यूवी दी मैं एडा वड्डा रिस्क लेके हरमन वीर जी नू करे बुला तो लिता है पर जे बीबी जी ने उन्हां नू वेख लिया ता किते पंगा ही ना पै जाए मम्मी जी की हो गया तुसी एदा घबरा के रहे हो मेरा मतलब है एहो जा की है एदे च नहीं नहीं पुत्र ओ दरअसल ए सरगुण दा पार्सल है ते तैनू ता पता ही है ओदी चीज नू कोई हाथ लावे ता ओ बड़ा गुस्सा हो जांदी है पर फिर भी एदे च है की होना की है कोई कॉलेज दा कागज पत्र होना है इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई होर इनू खोले हां जी वैसे ना तुसी सही कह रहे हो मेनू भी लगता है कि ए एनवेलप ना सरगुनी खोलना चाहिए एक काम करो ना तुसी मेनू दे दो मैं सरगुनू दे दंगा ठीक है मैं दे नाल नाल बाकी किताबा भी ले आनी है सरगुन दिया आ फड़ ओ की है ना सरगुन ना सारी चीजा बिना रह सकती है पर अपनी किताबा बिना नहीं बस मैं हुने आई मम्मी जी आयो उत्तर म्योनी है फोन मेरी प्यारी आशा रानी कीवी हां कै मैं अरे बोलिए डरती क्यों है हैं तेरा ये राज ना मेरे को राज रहेगा पर कब तक रहेगा ये राज इस गल दी गारंटी नहीं दे सकती मैं हां
जे तू चाहनी है ना कि ये सारिया चीजा पहला वांगू ही रह, ता आज रात चंद निकलन तो बाद मेरे स्वागत लई तैयार रही। हाँ, एक गल दा तैयार रही कि इस मीटिंग बारे ना सरगुण या युवराज जो किसे नु नहीं पता लगना चाहिए। है नहीं ता तू चंगी तरह जानती है कि मैं की कर सकती हूं। ये नवेल पता ना एक करंट सी करंट है, असली झटका ता तेनु देना जी, बाकी है टाटा बाय बाय। रूपत सरगुण किथे है, आई नहीं अजे तक। साड़ी तो मैं हरलीन दे ले लेके आई सी, जेड़ी की मैं रूप नु दित्ती सी। उस दिन रूप दी आई सी साड़ी लेके मेरे कमरे च, इन्नी देर चक शर्ट आया ते सारे कपड़े चक के ना प्रेस करा नु ले गया। ए तां बिल्कुल ओहो जी साड़ी है जेड़ी मैं हरलीन दे ले लेके आई सी। सेम एहो जी साड़ी इस कुड़ी दे कोल किवें? ए ती इन्नी औकात नहीं कि जो इन्नी महंगी साड़ी खरीद सके। इसने चोरी की थी है साड़ी। मैं थानू कुछ देना चाहनी हां, बिना कोई ना नुक्कर दे ते बिना कोई सवाल किते, तुसी प्लीज मेरे वलो आप गिफ्ट ले लो। आप ला की दे सकती है हजिंदर नू? तेरा कोई हक नहीं, क्योंकि यह सब ना एक नौ अपनी सस नू दिंदी है, ते मैं तेनू कदी भी अपनी नौ नहीं मन्नांगी। तू तो एक मौका प्रस्त कुड़ी है, पता नहीं केड़े लालच नू तू आज मेरे घर च आ गई। मैनू पता सी कि यही सब होना है, मैं क्या भी सी मम्मी जी नू, पर उन्हां ने मेरी एक नहीं सुनी। सस तो मैं भी थोनू नहीं मनना चाहती सासू मां जी, पर मेरी बेचारी भोली मां नू कौन समझावे? उना दे कहन ते मैं ए सब कुछ कर रही सी। मैं सोचा क्यों ना मैं ए रिवाज निभाने की कोशिश ही कर लवा, पर नहीं, तुसी ता इज्जत लैन दे काबिल ही नहीं हो। आई वड्डी इज्जत वाली, अपनी इज्जत वेखिए, मेरे घरों साड़ी नू चुके चोरी करके पा लिया। सोच समझ के इल्जाम लगाओ सासू मां जी, आशा शर्मा दी कुड़ी ने कदी भी चोरी करनी नहीं सीखी। अच्छा तो फिर ए दस कि ये साड़ी तू लई कदों, केड़ी दुकान तो लई है ते किन्ने दी खरीदी? तेरी ते तेरी मां दी एनी औकात नहीं कि एक ढाबा चला के एनी महंगी साड़ी खरीद सका, क्योंकि ये साड़ी ना मैं खरीदी सी अपनी हरलीन दे लई, उस नू व्याह दे उत्ते गिफ्ट देन दे लई। जो पता नहीं तू कदों ते कीवें साड़ी चोरी कर दी। देखो तुसी मेरे को वड्डे हो, इस करके मैं थोड़ी इज्जत कर रही हूँ, तुहानू कुछ नहीं कह रही,
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਅੱਖਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੀ। ਸਰਗੁਣ ਤੂੰ ਬਹਿਸ ਛੱਡ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਦੱਸ ਜੋ ਮੰਮੀ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਸਾੜੀ ਸਰਗੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੀ,